आज हम मिरर इमेज का क्लॉक वाला सेक्शन कवर करेंगे। मैंने मिरर इमेज का जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने सारे सेक्शंस कवर किए हैं, वो लेटर मिरर इमेज हो या नंबर मिरर इमेज हो, फिगर्स वाला हो और क्लॉक वाला भी हो। तो मैंने उस वीडियो पे सारे मिरर इमेज के कंसेप्ट और ट्रिक्स ये सारी चीजें बताई है। ओके, तो अभी ये क्लॉक वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उससे एक क्वेश्चन तो आता ही है और काफी इजी वे में है ये टॉपिक, इसलिए मैं इसका ये वीडियो बना रही हूँ। ओके गाइस, तो आप इसको देखते रहिए, कंटिन्यू रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। वॉच का ना कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मिरर में वो क्या करता है एक्चुअली। ओके, तो देखिए हमारे पास ये ग्रीन कलर में क्या है, आवर हैंड है, और रेड कलर में क्या है, हमारे पास मिनट हैंड है। ओके, और ये क्लॉक है हमारे पास, क्लियर है। तो चलिए, हमारे पास ये क्लॉक दिया, रियल इमेज में हम पहले फोकस करते हैं आरआई में। ओके, उसके बाद एमआई देख लेंगे मिरर इमेज कि वो कैसे हम लिखेंगे। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 12 है, 12 में बड़ा काटा है। ओके, और शॉर्ट हैंड किस में है, आवर हैंड किस में है, हमारा 10 में है। ओके, तो चलो अब हम क्या करेंगे, 12 है तो 12 से हम काउंट करेंगे। ओके, 12 के कितने बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने 2 बाद में आवर हैंड है। तो 12 के डायरेक्शन गाइज, अगर हम मिरर इमेज पढ़ रहे हैं, हम अगर मिरर इमेज पढ़ रहे हैं तो राइट और लेफ्ट दोनों चेंज होता है। ओके, अगर राइट दिया है तो वो लेफ्ट हो जाएगा और अगर लेफ्ट दिया है तो वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अगर इस तरफ अभी लेफ्ट है तो मिरर इमेज में वो क्या हो जाएगा, राइट तरफ हो जाएगा। और कितने दूर होगा, 1 और 2 आवर्स दूर, तो 1 और 2 आवर्स दूर। तो शॉर्ट हैंड कहाँ पे आ गया, हमारा 2 में आ गया, और मिनट हैंड एज इट इज क्योंकि वो 12 में है, स्ट्रेट में है। अगर वो थोड़ा सा भी इधर होता तो वो 12 के थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आता। ओके, क्लियर है गाइज, तो इस तरीके से लिखते हैं गाइज। इसका शॉर्टकट भी है, मैं शॉर्टकट मेथड भी बताती हूँ आपको, इसके और एग्जांपल्स हम देख लेंगे। ओके, अगर ये शॉर्टकट में मैं देखना चाहूँ तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, तो गाइज हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ याद रखना है 23 आवर्स 60 मिनट्स, दिस इज आवर्स एंड दिस इज मिनट्स। ओके, या तो ये याद रखना है, याद रखना है 11 आवर्स 60 मिनट्स। ओके, दिस इज आवर्स एंड दिस इज मिनट्स, 11 आवर्स 60 मिनट या तो 23 आवर्स 60 मिनट। अगर आपको 13, 50, 55 ऐसा कुछ दिया रहेगा तो आपके लिए ये ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 11 तक ही है। ओके, तो अगर आप ये भी याद रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 12 बजे के बाद दोपहर का टाइम क्या होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, तभी हमारा क्या होता है, पूरा दिन खत्म होता है और कितने आवर्स हो जाते हैं, 24 आवर्स हो जाते हैं, है ना। तो अगर आपको ये मालूम रहेगा कि हाँ, एक को हम 13 बोलते हैं, 2 को हम 14 बोलते हैं, ऐसे काउंट कर लिया आपने उंगलियों में, तो आप सिर्फ ये याद रखिए, 23, 60 याद रखिए। क्यों याद रखिए गाइज, वो भी अभी मैं बताती हूँ। 23, 60 अगर आप याद रखेंगे, आवर्स कितने होते हैं हमारे पास, 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में हमारे पास कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो अगर हमें मिनट्स भी गिवन है, यहाँ पे तो मिनट्स गिवन नहीं था इसलिए डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, है ना। अगर मिनट्स भी हमें गिवन है तो हम ये ऐसे में लिखेंगे, अगर आवर्स ही है तो 24 आवर्स ही है हमारे पास, करेक्ट है। तो चलो अगर मैं इसमें देखूं, रियल टाइम हमारे पास कितना था, 10 AM, है ना, तो हमें मिरर इमेज में कितना मिलेगा, 23 आवर्स 60 मिनट्स माइनस 10 आवर्स 00 मिनट्स। ओके, माइनस कर देना हमें से, माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 60 माइनस 00 तो 60 हो गया, और 23 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 23 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 13 आवर्स एंड 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मतलब कितना हो गया, 1 आवर और हो गया, मतलब 13 आवर्स प्लस 1, दैट मीन्स कितना हो गया, 14 आवर्स, और 14 हम किसको बोलते हैं, 2 बजे को बोलते हैं। तो डायरेक्टली हम क्लॉक में 2 बजा सकते हैं, 2 बज गया, तो हमारा ये क्या आ गया आंसर, तो ये मिरर इमेज में हमें डायरेक्टली क्या मिल गया, 2 मिल गया। ओके गाइस, हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन अभी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, लुकिंग इनटू अ मिरर द क्लॉक शोज 9:30 एज द टाइम। हम किसी मिरर में देख रहे हैं तो हमें क्लॉक क्या मिल रहा है, 9:30 शो कर रहा है ना। चलो यहाँ पे मिरर था तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज हम ले लेते हैं, और टाइम कितना शो कर रहा है, आवर हैंड को ले लिया मैंने ग्रीन से,
और मिनट हैंड को मैं ले लेती हूँ रेड कलर से. ओके गाइस, तो टाइम कितना शो कर रहा है मुझे, 9:30 शो कर रहा है. किसमें? मिरर इमेज में. तो मिरर इमेज को अगर मैं मिरर में दोबारा देखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एक्चुअल इमेज मिल जाएगा, रियल टाइम मिल जाएगा, है ना. तो हमने क्या पढ़ा है कि मिरर इमेज में राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जो काटे हैं वो चेंज होते हैं, है ना. हैंड्स जो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं आपस में, है ना. तो ये जो स्ट्रेट है सिक्स में, तो सिक्स तो एज इट इज स्ट्रेट में ही रहेगा, है ना. तो सिक्स तो एज इट इज सिक्स में ही रहा रेड. लेकिन जो ये ग्रीन है नाइन, वो अपना साइड चेंज करेगा, नाइन में है, दैट मीन्स वो क्या है, थ्री में आएगा, है ना, थ्री में आ गया. तो हमारा अकॉर्डिंगली ये कितना हो रहा है, 3:30 आंसर आ रहा है, और ये ऑप्शन में भी है ना गाइज. लेकिन यहाँ पे समझने की चीज ये है कि जब भी हम 9:30 टाइम बजाते हैं, है ना, जब भी हमारा 9:30 होता है, इसे मैं हटा दूं अगर, तो 9:30 जब होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि आवर हैंड 9 से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता है ऐसा. तो ये भी क्या होगा, आवर हैंड 2 और 3 के ऊपर शिफ्ट रहेगा, है ना, 2 10 और 9 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में होगा आवर हैंड, और मिनट हैंड एज इट इज किस में होगा, 6 में होगा. तो 2:30 आएगा आंसर गाइज इसका, 2:30 बजेगा, ना कि 3:30. ओके, आंसर 2:30 गाइज. ऐसे में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बताया था 2360 लर्न करने के लिए, है ना. 2360 में मैंने क्या बताया, 24 आवर्स होते हैं हमारे पास टोटल, 24 आवर्स में से मैंने 23 आवर्स में लिख दिया और 60 मिनट्स में लिख दिया. मतलब 60 मिनट्स मतलब क्या हुआ, 1 आवर, एंड 23 आवर प्लस 1 आवर कितना में हो जाता है हमारे पास, 24 आवर्स हो ही जाते हैं, राइट. तो इसीलिए मैंने इसे क्या लिख दिया, 2360. अब अगर मैं 2360 में जो हमें गिवन टाइम है, कितना गिवन है टाइम, 9:30, ये अगर मैं रिड्यूस कर दूं, माइनस कर दूं, तो हमें एक्चुअल टाइम मिल जाता है गाइस. ओके, तो रिड्यूस करके देखते हैं हम, तो क्या होगा, 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 3 इज 3, हम यहाँ पे टाइमर का लगा दिए. अब ये 3 है तो कैरी गया 1, ये 1 हो गया. 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 4, और ये 1 का 1 कितना हो गया, 14:30. 14 मतलब हम 14 किसको लेते हैं, ये 13 हो जाता है तो ये 14 हो जाता है, मतलब 14 किसको लेते हैं, 2 को, 2 ये हो गया, और मिनट कितने हो गए, 30. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2:30 इज अवर आंसर गाइज. ऐसे ही करना है आपको, अगर आप डायरेक्टली आंसर लिखना चाहते हैं बिना क्लॉक बनाए, तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं 2330 वाले से गाइज. तो ये याद रखिए, या तो आप 2330 लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं 1160 लिख सकते हैं, 12 आवर्स के बेसिस पे है ये, और ये 24 आवर्स के बेसिस पे. ओके, यहाँ पे छोटा टाइम है 9:30 है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं 9:30 कर सकते हैं माइनस, तो ये कितना मिल जाता है, 30, और 9 माइनस 11 माइनस 9 करते तो 2 मिल जाता, तो डायरेक्टली हमें 2:30 आंसर मिल जाता. ओके, लेकिन अगर आपको बड़े नंबर्स मिल जाएंगे, बड़े नंबर्स लाइक आपको अगर मिल गया 2360 में से माइनस करना पड़ गया आपको 1315, ऐसा कुछ माइनस करना पड़ा, तो आपका आंसर कितना आता है, इसको हम माइनस करते तो आंसर आता है. लेकिन आप 1315 को आप इससे माइनस नहीं कर पाते, है ना, 1160 से माइनस नहीं कर पाते, क्योंकि 11 तो छोटा हो जाता, 13 बड़ा हो जाता. इसलिए अगर आप चाहें तो 2360 याद करिए, या तो फिर ये भी याद करिए, या दोनों याद रखिए. छोटा टाइम दिया है तो आप इससे डायरेक्टली आंसर लाइए, बड़ा टाइम दिया है तो 2360 से आंसर लेके आइए. ओके गाइस, और क्वेश्चन करते हैं, 3-4 क्वेश्चन करते हैं क्लॉक के बेसिस पे, फिर हमारा ये मिरर इमेज खत्म हो जाएगा प्रॉपरली. ओके, अ क्लॉक शोज 5:55 इफ अ पर्सन सीज द क्लॉक इन अ मिरर, अगर व्हाट टाइम डज इट शोज. एक क्लॉक कितना शो कर रहा है, 5:55, स्मॉल वाला हम ले लेते हैं 5:55, मतलब अराउंड ऑलमोस्ट 6, तो फिर ये स्मॉल काटा 5 और 6 के बीच में रहेगा, और 55 मतलब 11 में रहेगा, करेक्ट है. ओके, तो अगर मैं इसका मिरर इमेज बना रही हूँ, है ना, क्या बोल रहा है कि एक क्लॉक शो कर रहा है 5:55, लेकिन एक पर्सन अगर उसी क्लॉक को मिरर में देखे तो उसका टाइम क्या बताएगा उसे मिरर में, है ना. तो मिरर इमेज पूछ रहा है यहाँ पे, मिरर इमेज ऑफ टाइम 5:55, तो यहाँ से मैं 6 को अगर पकड़ू, 6 तो छोटा स्मॉल काटा, ग्रीन वाला कहाँ पे, 5 और 6 के बीच में, इस तरफ साइड चेंज करेगा 6 से, तो इस तरफ आएगा ग्रीन वाला, है ना, मतलब वो किसके बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में आएगा, करेक्ट है. और ये वाला किस में, 11 में, तो इधर से 12 पकड़ लूं, 12 कितने दूर है 11 से, 1, तो इस डायरेक्शन में भी वो कितने दूर आएगा, 1 दूर आएगा, है ना. तो 12 के तरफ से अगर मैं चलूं तो ये किस में आएगा, 1 में आएगा,
राइट गाइज, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखे अब ये स्लाइटली शिफ्ट हुआ है ना, ये स्लाइटली शिफ्ट हुआ है, तो हमें ये कितना कैसे लग रहा है, 7:05 लग रहा है, 7:05। लेकिन ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में तो है ही नहीं गाइज। ऐसी गलती को ही हम हटाने के लिए, हमसे ऐसी गलतियां ना हो, इसी को हम हटाने के लिए क्या करने के लिए बताएं, या तो 1160 या तो 2360, ये बताया मैंने, है ना। तो चलो कर लेते हैं, टाइम कितना दिया है, 5:55, दोनों में करके देख लेते हैं, 5:55। ओके, और हमें करना क्या है, इसे माइनस करना है, तो माइनस भी कर लेते हैं, 0 - 5 होता नहीं है, तो कैरी ले लिया, यहाँ पे 1 हो गया, 10 - 5 इज 5, और ये कितना हो गया, 5, 5 - 5 इज 0, और 11 - 5 इज 6। तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ से हमारा, 6:05। आंसर क्या आना चाहिए हमारा, ये थोड़ा सा ही स्लाइड होना चाहिए था, और ये 5 पे तो करेक्ट है, तो 6:05 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर मैं इधर से भी करके देखूं तो देख लो, यहाँ से 10 - 5 इज 5, ये 5 हो गया, तो ये 0, और ये कितना हो जाएगा, 13 - 5 इज 8, और ये 1 हो गया, तो 1, 18:05। 18 किस में आता है, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 मतलब क्या आया, 6, 6 ही आया, और 05 का 05 मिनट्स में है वो, करेक्ट है गाइस। तो ऐसे आप आंसर टिक करिए तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे गाइस। ओके, तो चलें आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन सीन थ्रू अ मिरर, अगर हम मिरर में देख रहे हैं, तो अ क्लॉक शोज 8:30 द करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम कितना शो कर रहा है क्लॉक, 8:30, मतलब 8 और 9 के बीच में ये रहेगा, और ये कहाँ आएगा, 30, मतलब 6 पे, करेक्ट है। तो हम अगर ड्रॉ करें तो ये कितना आएगा, 6 में, और 8 और 9 के बीच में, मतलब ये कहाँ पे आएगा, ग्रीन वाला कहाँ पे आएगा, 3 और 4 के बीच में, मतलब आंसर आना चाहिए हमारे पास कितना, 3:30 हमारे पास आंसर आना चाहिए हमारे इमेज के थ्रू। ओके, तो चलो अब हम क्या कर लें, ट्रिकी वाले वैसे देख लें जिससे आंसर हमारा गलत हो ही ना। चलो तो देख लेते, 1160 माइनस कितना दिया हमें, 8:30। ओके, तो 60 - 30 इज 30, और 11 में से अगर 8 जाएगा तो कितना जाएगा, 3, तो आंसर इज 3:30। हमारा आंसर कितना आ गया करेक्ट, 3:30 इज अवर आंसर गाइस, क्लियर है। इससे काफी जल्दी हो रहा है, 2360 से भी आप कर सकते हैं, 8 * 30, तो ये 30 हो गया, 23 - 8 करेंगे तो 13 - 8 इज हाउ मच, 5, एंड दिस इज 15, तो 15:30, तो कितना होता है, ये 12 है, तो इधर 13, 14, 15, मतलब क्या है, 3, 15 मतलब 3, तो ये कितना हो गया, 3:30 गाइस। इन दोनों में से कुछ भी याद रखिए, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा नंबर मिलता है, लाइक यहाँ पे मैंने, अगर आपको सपोज आपको अगर ऐसा मिल जाता कि आपका टाइम गिवन है 14 hours 3 minutes, ओके, तो आपका करेक्ट टाइम क्या होगा जो मिरर में शो कर रहा होगा, तो अब 1160 में से 14 को तो माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि ये आवर्स तरफ 14 है ना, और इसमें बड़े से छोटा वाला तो कंसेप्ट है नहीं, हमें 1160 से ही माइनस करना होता था, इसीलिए हम क्या लिए, 2360 भी लेके रखे। अगर मैं 2360 से माइनस करूंगी इसे ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 3 = 7, और ये कितना बच जाएगा, 5, 57, अभी इधर से कैरी गया तो ये कितना हो जाएगा, 13 - 4 = 9, और तो ये कितना मिल गया हमें, 957 मिल गया, राइट। तो अगर मैं इसे 1160 से करने का देखूं, 1160 से, तो मैं ये 14 को लिख सकती हूँ 2:03 लिख सकती हूँ, राइट। तो 1160 से अगर मैं माइनस करती हूँ 2:03 को, तो यहाँ पे तो ये 57 आएगा ही आएगा। अब 11 - 2 = 9, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है हमारे पास, 957 आ रहा है। तो गाइस ये बड़े नंबर के लिए या तो ऐसे याद रख लो, या तो ये याद रख लो कि 14 को आप 2 भी लिख सकते हो, 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, ओके, 16 मतलब 4, 17 मतलब 5, 18 मतलब 6, एंड 19 मतलब 7, 20, 21, 22, 23, 24, इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे देखें, by looking in a mirror, it appears that it has 6:30 in the clock. Clock में कितना बज रहा है बोल रहा है, 6:30, मतलब 6:30 बोल रहा है, मतलब guys small वाला जो hand है, short hand है, वो 6 में नहीं होगा, 6 और 7 के बीच में होगा, right? 6:30 हो जाता है, आधा घंटा ज्यादा हो जाता है, तो हमारा आवर हैंड थोड़ा सा खसक जाता है 6 के पास से, राइट। तो अब हमारे पास क्लॉक ऐसा होगा, तो हम अगर इसका मिरर इमेज देख रहे हैं, तो मिरर इमेज का रियल इमेज कुछ इस तरफ मिलेगा हमें, कुछ इस तरफ मिलेगा, मतलब हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, आंसर हमारा आना चाहिए 5:30 अकॉर्डिंग टू अवर
इमेजेस. ओके, तो अब हमें 630 दिया है, तो 1160 से माइनस कर दो 630 को. माइनस कर दिया तो 60 माइनस 30 इज 30 और 11 माइनस 6 इज 5. अब आंसर इज 530. करेक्ट है हमारा आंसर. या तो डायरेक्टली इससे करते हैं, हम तो इमेज के थ्रू भी कर रहे हैं और इसके थ्रू भी कर रहे हैं, राइट. कभी कभी इमेज के थ्रू हमें गलत आंसर भी मिल जाता है, इसलिए हम इसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गाइस, क्लॉक रिलेटेड चीजें करने के लिए आपको क्लॉक से रिलेटेड चीजों के बारे में पता होना चाहिए. जैसे यहाँ लिखा है 3:15, है ना, तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए. तो चलो क्वेश्चन देखते हैं. अ क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर शोज 3:15. 3:15, पास्ट मतलब, पास थ्री मतलब होता है तीन को पार कर चुका है, तीन बज चुका है. अब तीन बजने के बाद, ओके, मतलब तीन पे बड़ा वाला काटा आ चुका है, छोटा वाला काटा आ चुका है और बड़ा वाला काटा 12 पे आ चुका है. तीन बजने के बाद का पास्ट वाला, उसके बाद का टाइम, ओके. और क्वार्टर उसके बाद का क्वार्टर, मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट हैंड हमारा क्या कहाँ पे होगा, तीन पे होगा. और लॉन्ग हैंड भी हमारा कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा. कहाँ पे होगा हमारा, इसी 3 पे ही होगा. ओके, मतलब 3:15 हमारे पास गिवन है. ये कितना गिवन है, 3:15. तो अगर मैं आंसर डायरेक्टली निकाल लूं किससे, 1160 से, तो 3:15 के लिए कर लूं, तो 10 - 5 = 5. ये कितना हो गया, 5 - 1 = 4, 45 हो गया. अब इधर कितना, 11 - 3 कर लो, 11 - 3 कितना हो जाता है, 8. मतलब आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 8 hours 45 minutes इज अवर आंसर. आंसर नंबर 3 इज अवर आंसर. लेकिन इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं प्लेस करूं तो देखते हैं, क्या ये थोड़ा सा खसका होगा जब 15 मिनट पे आया होगा, जब ये लॉन्ग हैंड 15 मिनट पे पहुंचा होगा, तो आवर हैंड थोड़ा सा तो खसका होगा. मतलब 3 और 4 के बीच में, मतलब कहाँ पे होगा, 8 और 9 के बीच में होगा. करेक्ट है, 8 और 9 के बीच में होगा. ओके, और ये 3 पे है तो मिनट हैंड क्या होगा, सीधा ऑपोजिट हो जाएगा किस पे, 9 पे. मतलब हमको क्या मिल जाएगा, 8:45 मिल जाएगा. ओके, अब आंसर इज 8:45. क्लियर है गाइस, इजी जा रहा है ना. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, फिर हमारा मिरर इमेज हम एंड करते हैं. ओके, अभी मैंने बताया था 3:15 लिखा था, है ना, यहाँ पे 3:15 लिखा था, मतलब क्या था, 3 बजने के बाद का क्वार्टर, है ना. अब क्या बोल रहे, 2:15, 3 बजने में 15 मिनट बचे हैं, मतलब, है ना, 3 बजने में 15 मिनट बचे हैं, मतलब क्या होगा, 2 और 3 के बीच में स्मॉल काटा होगा, शॉर्ट हैंड होगा. और 3 बजने में 15 मिनट बचे हैं, मतलब 2:45, है ना. तो हमें गिवन टाइम कितना है, 2:45. गाइस, अगर ऐसे भी लिखा है तो आप डरिए मत, आपको पता होना चाहिए बस टर्म क्या बोल रहा है. व्हाट इज द करेक्ट टाइम शोज नाउ. अब 2 और 3 के बीच में शॉर्ट हैंड है, तो मतलब इस तरफ किसके बीच में होगा, मतलब ये 1, 2 और 2 और 3 के बीच में, तो 1, 2 मतलब 9 और 10 के बीच में होगा शॉर्ट हैंड, ग्रीन वाला. ओके, तो लॉन्ग हैंड कहाँ पे है, और लॉन्ग हैंड कहाँ पे, 9 पे. तो लॉन्ग हैंड कहाँ पे हो जाएगा, 3 पे. तो ये कितना बच जाएगा, 9:15 होगा. क्या 9:15 होगा, ओके, 9:15 हो जाएगा ये. अब अगर मैं इसी को देखूं, 2:45 हमें तो मिल गया, अगर इसी को मैं देखूं 1160 से माइनस कर दूं, 2:45 को माइनस कर दिया मैंने, ओके, तो 10 - 5 = 5, ये 5 हो गया, 5 - 4 = 1 और 11 - 2 = 9. तो आंसर आ गया हमारा 9:15 ही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4. गाइज, ये लास्ट एंड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, हमारा क्लॉक वाला भी हो गया. आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम पे मिलते रहे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय.